सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद गुरुवार को सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचने के बाद येचुरी पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक यूसुफ तारेगामी से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को कश्मीर जाने की हरी झंडी मिलने के बाद सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचने के बाद येचुरी पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर से कई बार विधायक रह चुके यूसुफ तारेगामी से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमारे केंद्रीय कमेटी के मेंबर से मिलने जा रहा हूँ। जो चार बार चुने हुए हैं विधायक वहाँ पे, और वो चुने हुए हैं हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, तो उन्होंने कहा कि पहले जाकर उनको देख के उनकी हालत क्या है उसके बारे में एक एफिडेविट जमा करें, हमें वो काम करूंगा मैं, और उसके बाद केस आगे बढ़ेगी। श्रीनगर दौरे के दौरान सीताराम येचुरी सिर्फ अपने पार्टी के नेता यूसुफ तारेगामी से ही मुलाकात कर सकेंगे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने येचुरी को इस शर्त पर श्रीनगर जाने की इजाजत दी कि वो वहां सिर्फ अपनी पार्टी के नेता से ही मिलेंगे। इस दौरान ना तो वो कोई सभा करेंगे और ना ही किसी दूसरे काम में उलझेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।